Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha Television. I'm Rakhee Bakshee. This show gives you a deep insight into the life, career and vision of a leading personality. And every week we have been bringing you new faces. The new face this time, this week, is Mr. Subodh Gupta. He's a leading Indian contemporary artist. Welcome to the show. Thank you, Rakhee. You know, we feel really great being here, talking to you. I missed your work. How do you feel? Bilkul, kaash dhoop nikli hoti, coffee bhi hota. जी मौसम के बारे में बात भी होते साथ में छतरी भी होती तो फिर बात करते लेकिन मौसम ये अलग है जी ये जो अलग होने की आपने बात कही है आपका जो काम है आपका आपकी जो कला है वो भी अलग है थैंक यू और वो मैं कहूँगी कि सिर्फ अलग ही नहीं है आम आदमी की आजकल बहुत बात हो रही है हमारे चारों तरफ तो उससे बहुत जुड़ा हुआ है तो इतना कनेक्ट कैसे कर पाया आप ये नहीं पता मुझे आई डोंट नो being an artist and making art, that is my job. And मुझे ये नहीं समझ में आता दूसरा काम क्या है मेरा सो उलझ गया हूँ अपने ही कामों में और उसी दुनिया में रहता हूँ यू नो एक कहावत है अंग्रेजी में कि द सिंपलेस्ट स्टोरीज आर द टफेस्ट टू टेल आपके केस में शायद यही है कि इतना सहज लगता है सब कुछ और वही आपकी आज स्ट्रेंथ भी है खूबसूरती भी है थोड़ा सा पीछे और आगे दोनों जाऊंगी कि जहां से आपने शुरुआत की वो माहौल आखिर कैसा था जहां की आज जब आप यहां जो जर्नी कर कर आए हैं उस माहौल से आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली कला की बात तो सोची भी नहीं थी कि मैं कलाकार बनूंगा अच्छा, हमारे पिताजी क्या बनेंगे मुझे भी नहीं पता था क्या बनूंगा मैं लेकिन इतना जरूर था कि नौकरी नहीं करनी है बंधना नहीं है हाँ बंधना नहीं है और इस ख्याल से होते हुए हमारे परिवार के लोग तो कहते नहीं तुम्हें कुछ करना ही है तो मैं कहा कुछ करना है तो फिर नाटक ही करते तो फिर मैं लोकल संस्था नाट्य संस्था को ज्वाइन कर लिया जिसके साथ मैं जुड़ा रहा कई एक सालों तक फिर उसके पोस्टर बनाते बनाते दोस्तों ने कहा यार तू तो पोस्टर अच्छा बनाता है क्यों नहीं आर्ट स्कूल जाता है हमने कहा आर्ट स्कूल तो यार कभी नाम भी नहीं सुना आर्ट स्कूल होता क्या है फिर इसी बहाने आर्ट स्कूल चले गए तो इस तरह से कुछ ना कुछ बुनता गया यात्रा बनती गई हम बात कर रहे थे कि आप जब जिस माहौल से आए थे और जब आपने ये काम शुरू किया बिहार में भी बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा है लेकिन उस वक्त के आप जिस समय ये सब स्टार्ट शुरू कर रहे थे तो आपको लगा कि कुछ आप अलग कर रहे हैं और लोगों को भी आपके आसपास अलग लग रहा था बिल्कुल नहीं एक समान चीज़ें कर रहा था लैंडस्केप ड्राइंग स्टिल लाइफ और हमसे अच्छे विद्यार्थी थे मुझे तो उनके साथ कंपटीशन होता था अरे ये कैसे ऐसे बना लेते हैं मैं भी ऐसा शायद कर पाऊँ इतना अच्छा बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा तो वो उस ढंग की जिज्ञासा थी सीखने की तो लैंडस्केप वाटर कलर कैसे करेंगे ड्राइंग कैसे करेंगे तो वो बिल्कुल शुरुआती दौर थी और शुरुआती माहौल था तो खैर बुनियाद भी वही है किसी भी कलाकार के लिए उसके रेफरेंस जो ग्राउंड रेफरेंस बहुत ही जरूरी है और उसको हम बड़ा एकेडमिक आर्ट बोलते हैं एकेडमिक सो वो बहुत ही जरूरी था और वो सीखा हमने लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आज की दुनिया में आज के माहौल में समकालीन कला में क्या हो रहा है और हम लोगों को क्या करना चाहिए मुझे नहीं और भी दूसरे विद्यार्थी थे हम लोग में से किसी को नहीं पता था कि करना क्या है क्या लैंडस्केप बनाना ही आर्ट है क्या ड्राइंग करना ही आर्ट है क्या पोर्ट्रेट बनाना ही आर्ट है तो ये बताने वाला कोई नहीं था आपने ये जो बात कही उससे मैं थोड़ा बड़ी एक फ्रेम और प्रश्न पर आऊँगी ये जो आप बात करें और आज अगर हम दुनिया भर में खासकर हमारे देश की बात करें जहाँ आर्ट के बारे में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ ही है या बातचीत हो रही है जो आप कह रहे थे वहाँ से इसको मैं ले रही हूँ देखिए समकालीन कला की बात जहाँ आती है हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी एक बच्चा भी कला को समझ सकता है तो कला की एक खासियत है कि एक हर उम्र का आदमी अपने तरीके से उसको पढ़ सकता है एक कला को देख करके लेकिन हम कहाँ हैं अपने समकालीन कला में हमारे देश में वे इन कंटेम्प्रेरी आर्ट में उसकी बात अलग हो सकती है तो निश्चित तौर पे टाइम इज चेंजिंग मेनी आर्टिस्ट वर्किंग मेनी वी प्लेटफॉर्म इज स्ट्रगल जो है हमारा है हमारे मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट ने बहुत कम कर दिया
स्ट्रगल तो उन्होंने किया, गायतुंडो ने किया, तैयब मेहता ने किया, हुसैन साहब ने किया, ये तमाम बड़े कलाकार जो हैं इतने इतने बुरे समय से और इतने कठिन समय से गुजर के हम लोगों का रास्ता उन्होंने साफ किया निश्चित तौर पे। तो मैं तो उनकी उनको प्रणाम जरूर करना चाहूँगा इसके लिए कि जो रास्ता उन्होंने मुझे हम लोगों को दिया है, हम सारे इतने सारे यंग कलाकारों को जो दिया है कि उन्होंने पहले हमारा काम हल्का बना दिया थोड़ा। एक सवाल जो बहुत उत्सुकता के साथ मेरे जहन में है और पूछूंगी कि जब आप अकेले बैठते हैं और सोचते हैं कि वहाँ जहाँ से शुरुआत की थी, अभी आप कह रहे थे लैंडस्केप बनाते थे, अपनी दुनिया में तन्मय रहते थे, और आज आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं सुबोध, तो कैसा लगता है आप जब अकेले में बैठ कर सोचते हैं? मैं एक एक लंबी यात्रा है, एक छोटी यात्रा नहीं है, एक बहुत ही लंबी यात्रा है, 25-30 साल की कला की यात्रा है। तो समय के अनुसार बिल्कुल हर चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है और आश्चर्य तो होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन जो संघर्ष का जो समय था और उसमें जो एक खुशी थी और उसमें जो एक कॉन्फिडेंस था उस समय, जिसको कहते हैं लेयरिंग ऑफ अ पर्सनालिटी, वो मैं तो हमेशा प्रे करता हूँ कि वही कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाए तो फिर मैं एक नया कलाकृति उस बिना डर के बनाऊँ। बहुत अच्छी बात कही है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यू आर वॉचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ ऑन राज्यसभा टीवी एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर सुबोध गुप्ता। विल कीप टॉकिंग टू हिम, डोंट गो अवे, वी आर कमिंग बैक शॉर्टली। हम जानते हैं सुबोध कि आप पेंटिंग कर रहे थे और आपकी कला जो है वो बहुआयामी, लेकिन खासकर जो आपने स्टील पर काम किया वो उसके बारे में हमें बताएं कि वो स्टील का और जो ब्रॉन्ज के ऊपर काम कर रहे हैं वो कहाँ से सब शुरुआत हुई? स्टील इससे बिकम मेनी आर्टिस्ट वर्क विद स्टील बट स्पेशली आई विल से अबाउट यूटेंसिल्स। यूटेंसिल बिकम ए माई सिग्नेचर आइटम and I found this material and you felt at home with steel. Sorry, you felt at home. I mean, that one would call it being at home. I mean, this is around us. It's everybody around us with that. Yes, but I found the common material, what everybody have it, everybody seen it, but picking that material and doing something with that, and that thing I think become my key things. And that's why no, but when you started in 2008, your LOC was huge success. I mean, itni uski tareef hui, logon ne itna saraha usko, aur usi se shayad aaj hum jab yahan baithe hain aapki dusri kala ke samne, to wo ek aur yatra hai, uske bare mein bhi baat karenge, lekin us samay ki aap baat kariye jab aapne wahan se shuru kiya. Kis samay? Line of control jo tha. Line of control ek subject tha. एक जब हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इतनी गर्मा गर्मी चलती रहती है हमेशा, और हम जब हमेशा तो हमारे नेता बड़े आराम से बोलते हैं कि एक बम आपके यहाँ फेंक दूंगा तो भैया आपके 25 मिलियन लोग चले जाएंगे, वो बोलते हैं कि एक बम फेंक दूंगा दिल्ली पूरी चली जाएगी। ये लोग बम की ऐसे बात करते हैं जैसे कि कोई चना खा रहे हों। तो हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, बट वी ऑलवेज थिंक लाइन ऑफ कंट्रोल इन द न्यूक्लियर पावर and we have to be control over there. The fear is there more than line of control, and that was my subject, that was my topic, and that's why I made that particular work. So very contemporary thought, I mean, something which was really, I mean, that time or even now we discuss so many subjects like that which are very current and contemporary. So as an artist, you mean that you very much touched by something which is around when you talk about utensils, but also broadly what is happening around. Absolutely, that's I do, yes. But अभी की जो हम बात करें, इस बार जो आपने एग्जीबिशन लगाया है उसके बारे में और बताना चाहेंगे कि आपने उसमें क्या, आपकी जो ओरिजिन, जो आइडिया है वो क्या रहा आपका? ये मेरा 20 साल तक का काम है। बहुत सारे आइडिया हैं इसमें, इस पूरी प्रदर्शनी में जब आप देखेंगी तो इसमें काफ़ी सारे काम हैं। हर काम का अपना एक परिभाषा है, अपनी बात है, अपना एक उसके संघर्ष हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपनी एक छोटी सी अपनी यात्रा को
यहाँ पे दिखाने आया हूँ और दिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी यात्रा, एक तो हम जहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत एक बहुत ही अद्भुत चीज दिख रही है, हमारे दर्शक जो लगातार इसको देखते रहेंगे, दूसरा जो आपने भोज का पूरा एक जो एवरीडे इन्फ्लुएंस वहाँ पर दिखता है कि दिखाया है आपने, जो आते से दर्शकों को यहाँ एनजीए में आते हैं दिखता है कि वो स्रोत पूरा जो दिख रहा है, जब हम बाल्टी से और आपकी यूटेंसिल्स वहाँ से, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, स्रोत जो दिखता है, तो ये एक जिस तरह से एक संसार है जो बिल्कुल आसपास है उसको आपने दिखाया। और कहीं ना कहीं मैं कुछ महिलाओं से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि बहुत घरेलू लगता है देखकर, तो हर आदमी से कनेक्ट कर, आपको कैसा लगता है? ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं कि एक आदमी जो कला को पूरी तरह समझता हो, लेकिन एक जो वैसे भी आया है जो शायद कला को उस तरह से ना समझता हो, वो भी रिलेट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हर तबके के लोग, हर इंसान अगर मेरी बात को और मेरी कला को समझ रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मटेरियल हैं हमारे काम के, वो इतने कॉमन्स हैं कि हर इंसान उसको समझता है। आम को देखकर आम समझ रहा है, स्पून प्लेट चम्मच प्लेट को देख के उसके घर का है वो सामान, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है अपने से, उस ऑब्जेक्ट से। आपको बाहर ऐसा लगा सुबोध कि बहुत सारे लोग बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, खासकर विदेशों में रह रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखकर उनको बड़ा एक अपनापन सा लगता है? लगता है, क्योंकि वहाँ भी स्पून और थाली या प्लेट वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। तो ये खास बात है कि सब लोग अपने अपने तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं। कहीं ना कहीं कोई काम है जो नहीं समझ में आती है, तो लोग सब उसके लिए एक यात्रा करनी पड़ती है समझने के लिए, और ये अच्छी बात है, क्यों नहीं। नहीं, और ख़ासकर हम एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब हम, मैं थोड़ा सा इसको अलग एक पुट दे दूंगी कि हम राजनीति की भी अगर बात करें, तो कुछ नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी, जो कि कहने लगी हम आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसे समय में आप अपना एग्जीबिशन लगा रहे हैं जो बहुत ही आम आदमी से संबंधित है, तो ये बड़ा ही अनोखा समय है। मैं आपको बताऊं, 2009 में जब मेरी प्रदर्शनी लंदन में लगी थी, हमारी हाउजनवर्थ हमारी गैलरी में, उसका शीर्षक था आम आदमी। चलिए, आम आदमी शीर्षक इसलिए नहीं था कि हम आम आदमी के बारे में बात कर रहे थे, आम आदमी इसलिए शीर्षक था कि मैंने एक स्कल्पचर बनाया था मैंगो का, और आप उस स्कल्पचर को भी यहाँ देखेंगी। सो उस आम को मैंने ब्रॉन्ज में कास्ट किया था, ये आम है, और उसको मैंने पेंट किया था बिल्कुल कि लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक ए मैंगो। सो उस आम की बात की थी मैंने कि, और मैंने कहा ये आम आदमी का आम है, और थोड़ा सा सटायर था, थोड़ा सा ह्यूमर भी था उसमें, थोड़ी सी अलग कटाच भी थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो सब्जेक्ट जो है इतनी चर्चा में आ जाएगी इस तरीके से, मेरे काम के सिलसिले में सिर्फ नहीं, राजनीति के सिलसिले में भी। आप कैसे वैसे देखते हैं, अगर थोड़ा सा कभी आप सोचते हैं, जो हमारे एक आर्टिस्ट जो है वो संवेदनशील भी होता है, वो परिस्थितियों के बारे में सोचता है, तो आपको आज के हालात कैसे लगते हैं जब आप आसपास? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बदलाव हो रही है, और बदलाव बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे खुशी होती है कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है हम गलत हों, हो सकता है हम सही ना हों, लेकिन एक सही रास्ते के लिए एक जद्दोजहद जब होती है, तो उसका अल्जाम, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। उस होप में हम लोग सब जिंदा हैं, और हमारी विशेष भी यही है कि अंत अच्छा हो, अंत भला। जी, एक बार फिर आपकी उस बात पर आऊँगी, जब हम बात ये कर रहे थे कि भारत में भारतीय कला को कितना उत्साह मिल रहा है, क्या लगता है आपको? मैं कहीं देख रही थी और एक चर्चा हो रही थी कि आखिर भारत सरकार या यहाँ का जो पूरा सिस्टम या अथॉरिटी, वो आर्ट को कितना प्रमोट करने के लिए उत्सुक है या कर रहा है? भारत सरकार को अगर सचमुच में आर्ट को प्रमोट करना है, तो उनको आर्ट के एक्सपर्ट को लाना होगा, जैसे उन्होंने राजीव लोचन जी को यहाँ लाया, उस तरह से आर्ट के बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बहुत जगह उनको लाना होगा, तभी आर्ट की कहीं ना कहीं बदलाव होगी। और क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे सुनने में आता है, बाहर गए बहुत बुरा लगा कि बाहर इतना लोगों को उत्साह है, जानने की उत्सुकता है कि भाई भारत की कला कैसी है, लेकिन वहाँ प्रदर्शनी नहीं, वो जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है,
कई ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ बहुत दुनिया भर के देशों के लोग आए हुए होते हैं और अपनी कला दिखा रहे होते हैं, वहाँ भारत को और जोर से अपनी बात ऐसे आगे नहीं होता है। देखिए, एक कलाकार है, अगर मैं विदेशों में अपना काम ना दिखाया होता और विदेश के लोग हमारे काम को नहीं खरीदते होते तो शायद मैं आपके सामने बैठा भी नहीं होता, हम भी थैला लेके सड़क पे घूमते रहते, हम ये भी एक काम बनाने की औकात ही कहाँ थी मेरी। तो हम आप कह रहे हैं कि आपका काम ट्रैवल किया, हमारा काम, मैं कह रहा हूँ कि कला के जो प्रेमी हैं वो इतने ज़्यादा विदेश में हैं और कला के दर्शक हैं, कला के चाहने वाले, कला को खरीदने वाले इतने ज़्यादा वहाँ हैं कि उनकी वजह से हम जैसे कलाकार थोड़ी जिंदा भी हैं। हमारे, मैं तो बहुत लकी हूँ कि यहाँ रह के काम कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि जब तक हिंदुस्तान में कला खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, कला को, कला का म्यूजियम जब तक नहीं बनेगा, कला को हम रखने की स्थिति में नहीं होंगे तो कहाँ से कलाकार आएंगे? कलाकार बेचारे करेंगे क्या? हम बहुत लकी हैं, उसमें से एक दो कलाकार आप देख लेती हैं, लेकिन हमारे साथ कितने कलाकार हैं जो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास स्टूडियो नहीं है, उनके पास पेंट करने के लिए, वी नीड ए प्रमोटर, वी नीड समथिंग मच मोर देन दैट। दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू टेक अनदर। बनाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वही वाली बात है कि हम खुश हो लेते हैं अपने आप में कि हम बहुत, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 15 साल पहले जब मैं अपना काम शुरू किया था और काम में परिवर्तन लाया था तो कि यहाँ की एक भी म्यूजियम, यहाँ की एक भी कला दीर्घा मुझे काम दिखाने को तैयार नहीं थी। जब मुझे स्कॉलरशिप बाहर मिलने लगे, बाहर के लोगों ने मेरा काम दिखाना शुरू किया तो मेरी एंट्री बाहर से हुई हिंदुस्तान में। बहुत ही एक पर्टिनेंट बात आप सुबोध कह रहे हैं। हमें ऑफ कोर्स यहां पे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन इस बात की हम आगे चर्चा करेंगे। वी आर टेकिंग अनदर वेरी शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ इन द क्वेस्ट। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर सुबोध गुप्ता, वी कमिंग बैक शॉर्टली। वेलकम बैक टू द शो, यू आर वॉचिंग द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू मिस्टर सुबोध गुप्ता। आप ये जो बात अभी कह रहे थे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आपकी यात्रा ऐसी रही कि आपको एक मुकाम मिला, आप बाहर गए, अपना काम आपने दिखाया, लेकिन क्या लगता है इसी बात को आगे बढ़ाएं कि ये जो कला का माहौल है ऐसा कैसे ना हो कि और भी लोग जो हैं, मैं नहीं कहती सबको ही कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बदल रहा है, समय थोड़ा सा बहुत धीरे तरीके से, बहुत उसकी गति जो है वो धुएं वाले इंजन की तरह हो गई है, तो बहुत चक्का चल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो समय लगेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे कॉरपोरेट हैं, जो 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 कॉरपोरेट हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है उनको कहीं ना कहीं फिलैंथ्रोपी दिखानी होगी, उनको कला में अपनी रुचि रखनी होगी और उस कला को खरीदनी होगी। विदेश में क्या करते खरीदार जो हैं, वो सिर्फ कला अपने लिए नहीं खरीदते, वो कला खरीदने के बाद म्यूजियम को डोनेट कर देते हैं उस आर्ट को। वो जज्बा है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अमेरिका में अगर आप आर्ट खरीदती हैं तो आपका उससे टैक्स माफ़ होता है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। हर जगह का अपना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूरोप में देखिए कितना कला का माहौल है, कितने लोग जानने वाले हैं, कितने सारे म्यूजियम हैं। तो उस तरह से हमारे सरकार को, हमारे कॉरपोरेट के लोगों को आगे आना होगा और सिर्फ जो हमारे कला के मिनिस्टर हैं वो कला के, उनका काम है कि वो कला के जानने वाले जो 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 सरकार में नहीं है उनको पकड़ के लेके आएं, उनकी कमेटी बनाएं, उनसे सलाह लें और उनकी बात मानते हुए जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा तब तक आगे कुछ और शायद परिवर्तन ना है। मुझे लगता है कि ये जो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि जिस मिनिस्ट्री की आप बात करें वो ज़रूर गौर से आपकी बात को देखें और उस पर कुछ अमल भी हो पाए तो अच्छा होगा। उस आर्टिस्ट को हम समझना चाहेंगे यहाँ इस प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे राज्यसभा टीवी चैनल पर। वो जो आर्टिस्ट जब ये काम करता है जो कि बहुत वृहत है, बहुत बड़ा है और बहुत ही उसके अंदर सूक्ष्मता भी है और वो विहंगम भी है, वो आर्टिस्ट कैसे इसमें काम करता है? आप जब काम करते हैं एज एन आर्टिस्ट, हाउ इज़ दैट पीरियड लाइक, हाउ इज़ दैट मोमेंट लाइक? बहुत वक्त लगता है, अचानक धुन में रहते हैं? धुन की बात है, कलाकार को अपने धुन में होना चाहिए और जब तक कलाकार अपने धुन में नहीं है तो मेरी दुनिया वही है, मेरा परिवार वही है और
हम अपने धुन से निकलना नहीं चाहते, तो उसके कला के वातावरण में जीने के लिए और कला को उसकी परिभाषा देने के लिए, उसमें एक कलाकृति बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसी दुनिया में सोए जागें और मरें। तो वो करने की इच्छा होती है हमेशा, सोते सोते उठते वक्त, कभी भी किसी मूड में हूँ चाहे कहीं भी हूँ, हमेशा उसके बारे में ख्याल आता रहता है, कला के बारे में। और एज एन आर्टिस्ट माय जॉब टू थिंक अबाउट आर्ट। तो कितना जुड़ते हैं आप इनसे, लोग देखेंगे आम आदमी, क्योंकि मैं बात भी कर रही थी तो कहेंगे कि बर्तन है, लेकिन आपका जो ये पूरा वर्ल्ड है, जो संसार है और जो कला है, उसको उसमें बहुत कुछ पिरोया हुआ है आपने, और ये एक माध्यम है और एक्सप्रेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। तो ये जो अब आपकी पहचान बन गई है, लेकिन ये जो बर्तन अब हम जहाँ देखते हैं तो हमें सुबोध गुप्ता की याद आने लगती है, कैसा लगता है आपको और कैसे इस जर्नी को? बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है। और कैसे इसको आगे ले जाना चाहेंगे? मीन व्हाट आर योर थॉट्स नाउ? कुछ नहीं, कैसे मैं बताऊं इन चीज़ों को, बस आप इतने डुबकी लगाते रहना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मुझे डुबकी से याद आया कि आपके, चूंकि मैं पढ़ रही थी तो आप, कि आप इतना इंगेज कर लेते हैं अपनी कला से, कि जब वो गोबर की बात आई थी तो आपने उसको भी शरीर पे लगाया, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा। तो इतना जो इंगेज कर लेते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो वो जो कला है और जो कलाकार है उसका जो संगम एकदम से हो जाता है, वो बाहर से नहीं देख रहा होता है कलाकार कला। बहुत जरूरी है, जब तक आप उसके नज़दीक जाएंगे नहीं, जब तक उसमें समाएंगे नहीं, तो वो बात निकल के आएगी नहीं। तो कम से कम मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। जब मैं मोदी नगर में पहली बार जब मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे 2 हफ्ते का वर्कशॉप होता है, तो हम सारे इकट्ठे ढेर सारे आर्टिस्ट हैं, 12-15 आर्टिस्ट विदेश से भी आए, 10-15 आर्टिस्ट हिंदुस्तान से भी आए। हम लोग 2 हफ्ते इकट्ठे गए, और सब लोग इसलिए गए कि हम कलाकार एक काम बनाएंगे। वहाँ हर घर में मिट्टी और गोबर से लेपे हुए थे, उस ऐसा माहौल था। तो मैंने एक फील्ड बड़ा सा बनाया, उस फील्ड को गोबर मिट्टी से लेपा, उस सूर्य सारे ऑब्जेक्ट को उस फील्ड में मैंने रखा, और मैं भी उसी अपने गोबर और मिट्टी में खुद को लपेटते हुए मैं लेट गया, और मैंने उस सारे वस्तुओं के साथ एक 3 घंटे तक की वार्तालाप की लेटे हुई। तब मुझे लगा कि मैंने इस काम का कहीं ना कहीं एक मतलब दे पाया, कहीं ना कहीं उसका एक मतलब निकल पाया। तो कला ऐसे बनती है। नहीं, लेकिन यही खूबसूरती है आपकी कला की, कि आप उसमें खुद भी घुस जाते हैं, समा जाते हैं, और उसको कला और कलाकार में फ़र्क बिल्कुल नहीं रह जाता है। हम जो ये काम देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग और देखेंगे सुबोध, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कला की पूरी दुनिया है, कोई ऐसा संदेश जो बहुत उभरते कलाकार हैं उनको आप देना चाहेंगे, या जो कला का माहौल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कलाकारों को अपना जुझारूपन ना छोड़ें, अपना रास्ता कठिन जरूर है बहुत सारे, लेकिन पतली गली से निकलने की कोशिश ना करें। कभी कभी यंग कलाकार जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, अगर उनका एक काम बिक जाता है तो उनको लगता है यही कलाकृति बिकती है इसलिए ऐसा काम करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि वो अपनी बात कहना भूल जाते हैं, फिर वो एक ऐसा एक छोटा सा रास्ता तय करने के चक्कर में एक ना बड़ा रास्ता तय कर पाते हैं, ना एक छोटा रास्ता तय कर पाते हैं। तो एक लंबी रास्ता तय करने के लिए एक आसान रास्ता को ना ढूंढें। और थोड़ा सा एक वो भी रह गया था कि जब एक आर्टिस्ट को बहुत सारे पैसे मिलने लगते हैं तो वो कैसा होता है फिर, वो क्या उसमें वो उसको कहीं ना कहीं घबरा देता है? बिल्कुल नहीं, जब आर्टिस्ट के पास था कुछ था ही नहीं, तो जो आ गया तो फिर क्या डरना? बहुत ही आप जज्बान वाली स्थिति। जब हमारे पास कुछ था नहीं तो कोई पूछने नहीं आया, जब आ गया तो दुनिया पूछ रही है। तो ऐसा नहीं है, जब लोग पूछते हैं कि भैया आप प्लेन में उड़ के जाते हो, बिल्कुल जी, प्लेन पहले कभी देखा ही नहीं था, मौका मिला है तो 10 बार घूमूंगा। टू द वर्क। सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग दिस शो सुबोध, एंड वी रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू डू, एंड वी विल बी इन टच टू नो मोर अबाउट योर वर्क। ग्रेट टॉकिंग। सो दैट वाज मिस्टर सुबोध गुप्ता, एंड यू वर वाचिंग द क्वेस्ट एज वी वर टॉकिंग टू हिम इन दिस स्पेशल एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। कीप वाचिंग द प्रोग्राम एंड कीप गिविंग अस योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार एंड बाय-बाय।